उत्तरकाशी में छठे दिन के बाद भी अंदर फंसे मजदूरों की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है, जिसको लेकर एक बार फिर सिलकियारा सुरंग में फंसे 41 मजदूर बाहर निकालने के लिए जारी रेस्क्यू कार्य रोक दिया गया है। NHIDLCL के निर्देशक डॉक्टर अंशु मनीष खलाको ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि सुरंग के अंदर मशीन के वाइब्रेशन के कारण रेस्क्यू कार्य रोका गया है ताकि मलबा और ना गिरे। मशीन को रेस्ट देने के लिहाज से भी काम रोका गया है। हालांकि मशीन में तकनीकी खराबी भी रेस्क्यू कार्य में बाधा बताई जा रही है। वहीं बैकअप के तौर पर एक और मशीन भी इंदौर से एयरलिफ्ट से मंगवाई गई है, जो शनिवार सुबह तक सिलकियारा पहुंच जाएगी। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। ये सही बात है, अभी यहाँ पे काम रुका हुआ है और ये कह रहे हैं कि नहीं, दो बातें हैं। एक तो मशीन भी ख़राब है, तो ये अभी मेरी बात हुई है तो ये कह रहे हैं इंदौर से अभी मशीन पहुँचने वाली है, नहीं तो रात रात तक पहुँच जाएगी। और ये ज़रूर हो रहा है कि बैकअप ना होना एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, और बैकअप होना बहुत ज़रूरी था। अगर एक मशीन ख़राब है तो सभी, मेरी भी बात हुई है अभी DM से, और ये जो ये दीपक पाटिल हैं तो वो बोल रहे हैं हम दूसरे प्लान पे भी विचार